डॉक्टर उमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो आयोजित की जा रही परीक्षाएं हैं, जिसमें बेसिकली दो मेन परीक्षाएं, आपकी एक सब इंस्पेक्टर और दूसरी कांस्टेबल, इनका अगर दोनों का पाठ्यक्रम आप उठा के देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो उसमें एक टॉपिक है जीएस वाले सेक्शन में भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध है। तो हमारा जो ये टॉपिक होगा भारत चाइना संबंध, भारत चीन संबंध, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, तो इसी संदर्भ में आज बात करेंगे और इसी तरह से आगे इसका अनुक्रम चलता रहेगा, जिसमें हम भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, फॉर एग्जांपल भारत श्रीलंका संबंध हो गया, भारत भूटान संबंध हो गया, भारत म्यांमार संबंध हो गया, भारत पाकिस्तान संबंध हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा यूपी पुलिस के सिलेबस में तो पर्टिकुलर दिया हुआ है, इसके साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए उपयोगी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे जो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 25-26 पॉइंट होंगे, आप एक एक करके उनको नोट्स बना लेंगे और नोट्स बना करके जब भी भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध पढ़ना हो आप अपना नोट्स उठा के उसे सरसरी तौर पर देख लेंगे, या कुछ अगर आपको नया मिलता है तो उसी में ऐड करके इस नोट्स को और रिच बना लेंगे, तो इससे हमें पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए पॉइंट वाइज मैं नोट कर रहा हूं और पढ़कर के भी आपको बता देता हूं, जिससे आपको लिखने में सुविधा होगी। भारत चाइना संबंध आज देख रहे हैं। चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक जनवादी गणराज्य है। यह 1.44 अरब, ये पॉपुलेशन ध्यान रखेंगे, आपको मालूम है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यह 1.44 अरब जनसंख्या के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक जनवादी गणराज्य है और 1.44 अरब जनसंख्या के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीन का क्षेत्रफल 95,96,960, ऐसे ही याद रखिएगा, 95,96,960 वर्ग किलोमीटर है, जो कि रूस एवं कनाडा के बाद विश्व का तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। यानी दो पॉइंट यहाँ से आपने क्लियर किया कि 1.44 पॉपुलेशन के साथ ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि 95,96,960 वर्ग किलोमीटर के साथ ये रूस और कनाडा के बाद तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीमाएं जब हमसे पूछ ली जाती हैं तो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा सीरियस देखिएगा। चीन की सीमा उत्तर से दक्षिण रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान से मिलती है, जबकि उत्तर से अगर पूरब में बात की जाए तो जापान एवं दक्षिण कोरिया के साथ चीन सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट लिखा है, चीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और यह सभ्यता लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता है। तो इसी तरह से सारे फैक्ट हम देखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, चीन में 91% लोग बौद्ध धर्म से हैं, यानी एक बड़ा वर्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चीन का जो सबसे बड़ा संगठित धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। तो चीन में 91% लोग बौद्ध धर्म से हैं, 3.5% ईसाई धर्म से हैं, 1.5% मुस्लिम और 4% अन्य धर्म के लोग हैं। ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा कि चीन का सबसे बड़ा एवं संगठित धर्म जो है बौद्ध धर्म है। चीन की मुख्य भाषा चीनी है, जो कि विश्व में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। ये क्वेश्चन जीएस में पूछ लिया जाता है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो चीनी है, और चीन की लगभग पॉपुलेशन जो है वो चीनी भाषा ही बोलती है। तो चीनी भाषा जो है विश्व में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन की राजधानी बीजिंग है और वित्तीय शहर संघाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीन की राजधानी बीजिंग और वित्तीय शहर संघाई है। आपको मालूम होगा कि ब्रिक्स विकास बैंक का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, तो यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि चीन जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है
और ब्रिक्स विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो संघाई में स्थित है। संघाई क्या है? वित्तीय शहर है चीन का। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत एवं चीन के मध्य स्थित काल्पनिक सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और तिब्बत के बीच में थी, और जो चीन था ये एग्जैक्टली भारत का पड़ोसी नहीं था, बहुत ही न्यूनतम संबंध चाइना से थे 1950 के पहले। लेकिन 1950 के बाद क्या हुआ कि तिब्बत को चीन ने अपने में मिला लिया, और उसके बाद से क्या हुआ कि भारत और चीन पड़ोसी देश हो गए, और वहीं से समस्याओं का उभरना शुरू हुआ। तो ये मैकमोहन रेखा अब भारत और चाइना के बीच मानी जाती है। दैट टाइम ये 1914 में जब अस्तित्व में आई थी तो ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था, उसी के तहत ये अस्तित्व में आई थी। तो बेसिकली ये भारत और तिब्बत के बीच में थी, लेकिन जब तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया गया चाइना द्वारा तो ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। बाय द वे अगर पूछ लिया जाए कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो ब्रिटिश शासनकाल में 1914 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, चीन की जो स्थलीय सीमा है, सबसे ज़्यादा जो भारत की स्थलीय सीमा है आपको मालूम है कि बांग्लादेश के साथ लगती है, और दूसरा चाइना है। चीन की स्थलीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जो कि भारत के 5 राज्यों को टच करती है। चीन की स्थलीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है और भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश 345 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर 1954 किलोमीटर, चौथा है सिक्किम 220 किलोमीटर, और पांचवा है उत्तराखंड 463 किलोमीटर। यहाँ से क्वेरी होती है कि निम्न में से कौन से राज्य की सीमा चीन को स्पर्श करती है या नहीं स्पर्श करती है। तो अगर ये पांचों आपको मालूम है कंटेंट्स तो क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि चीन की स्थलीय सीमा भारत के साथ 3488 किलोमीटर की है और भारत के 5 राज्यों को टच करती है, जो इस तरह से दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी, और भारत प्रथम गैर साम्यवादी देश था, यानी नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था, जिसने चीन को मान्यता प्रदान की। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम गैर साम्यवादी यानी नॉन कम्युनिस्ट कंट्री जिसने चीन को मान्यता दी थी वो भारत था। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हो गई थी, यानी चीन का दूतावास भारत में और भारत का दूतावास चाइना में होगा। तो 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना हो गई थी, और चीन में भारत के प्रथम जो राजदूत नियुक्त किए गए थे वो KM पेनिकर थे। KM पेनिकर को जो है चीन में भारत का प्रथम राजदूत नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे 1954, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1954 में भारत एवं चीन के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था, और इस पे चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किया था। इस समझौते का जो उल्लंघन हुआ है वो 1962 में भारत चाइना युद्ध के साथ हुआ था, तो वो अभी हम आगे मेंशन करेंगे। तो 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसपे चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई एवं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। कुछ और फैक्ट चीन के बारे में, चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी सेकेंड टॉप जो इकोनॉमी विश्व की वर्ल्ड की है वो चाइना है। चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक जबकि दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी निर्यातक में टॉप पे है और आयातक में सेकंड टॉप पे है। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। आपको ये बता दें कि सन 2000 से लेकर के 2020 तक में, यानी दो दशक में, जो चीन का भारत में निर्यात रहा है वो 33 गुना से ज़्यादा हो गया है। यानी जो चाइना से भारत में सामान आ रहा है, अगर 2000 से लेकर के 2020 तक में तुलना की जाए
तो ये 33 गुना हो गया है, यानी $3 बिलियन से लेकर के $100 बिलियन तक व्यापार पहुंच गया है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ये आपने पढ़ रखा होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी सुरक्षा परिषद है, उसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो स्थायी जो 5 सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, उनमें से चाइना भी एक है। तो चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तथा मान्यता प्राप्त एक नाभिकीय महाशक्ति भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, चीन के वर्तमान कौन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भारत चाइना संबंध के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, चाइना के बारे में बेसिक जानकारी पूछ सकते हैं और रिलेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति सी जिनपिंग है, उपराष्ट्रपति ली युआन चाओ है और प्रधानमंत्री ली कचियांग या केकियांग, जो भी आपको सही उच्चारण लगे वो नोट कर लेना। ली कचियांग कहीं कहीं पे है और कहीं ली केकियांग है। तो राष्ट्रपति है सी जिनपिंग, उपराष्ट्रपति ली युआन चाओ और प्रधानमंत्री ली कचियांग है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1950 में जब 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी, तो संबंध प्रगाढ़ हुए, अच्छे संबंध हुए। और इसी रेफरेंस में आगे जाकर के 1954 में पंचशील समझौता हुआ। तो ये पंचशील समझौता हुआ, इसमें 5 शर्तें थी। पहली तो ये शर्त थी कि एक दूसरे की संप्रभुता की जो है सम्मान करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। दूसरा था कि इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा था आक्रमण नहीं करेंगे। चौथा था लाभकारी संबंध रखेंगे। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखेंगे। लेकिन ये संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए और 1962 में जो है चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वर्ष 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण की परिस्थितियों के कारण द्विपक्षीय संबंधों को गहरा धक्का लगा और भारत चाइना के जो राजनयिक संबंध थे पूरी तरह से समाप्त हो गए। यानी भारत में चाइना का राजदूत और चाइना में भारत का राजदूत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसकी जो पुनर्स्थापना हुई वो अगस्त 1976 में हुई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, भारत एवं चीन ने राजनयिक संबंधों की स्थापना जो है अगस्त 1976 में की। उच्च राजनीतिक संबंधों का नवीनीकरण कब हुआ? दैट टाइम विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री थे। तो भारत एवं चीन ने राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना अगस्त 1976 में की। उच्च राजनयिक संबंधों का नवीनीकरण तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फरवरी 1979 की चीन यात्रा से हुआ। यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में चीन की यात्रा की तो हमारे जो राजनयिक संबंध थे वो फिर से पहले जैसे हो गए। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि भारत एवं चीन ने आधिकारिक रूप से जो व्यापार की शुरुआत की थी वो 1978 में किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमने कि 2011 को और 2012 को। तो 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष के रूप में तथा 12 को चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें नोट कर लेना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया, जिसके बाद से चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया तथा भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और 15 में इनकी ये चीन यात्रा थी। तो वर्ष 2000 और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की एक लंबे अरसे के बाद चीन यात्रा थी। इससे पहले 2014 में विदेश मंत्री के तौर पे सुषमा स्वराज ने यात्रा की थी। तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया, जिसके बाद चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला लिया तथा भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
याद रखिएगा, वर्ष 2018 और 2019 में हुआ था। 18 में ये चीन में वुहान में हुआ था, जबकि 19 में भारत में ये चेन्नई में हुआ था। तो वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में वैश्विक द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ साथ घरेलू एवं विदेशी नीतियों के लिए व्यापक सहमति बनी थी। वर्ष 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में जो पहले सम्मेलन में संधियां हुई थी उस पर जो है और मजबूती की गई, और मजबूती से सहमति को आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। भारत तथा चीन के बीच हैंड इन हैंड, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये एक आतंकवाद रोधी जो है सैन्य अभ्यास है, युद्धाभ्यास है। तो ये इसके अभी तक 8 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। ये सवाल आ जाता है कि हैंड इन हैंड संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत और चीन के बीच हुआ है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, और अब तक 8 दौर इसके आयोजित किए जा चुके हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारत चीन को लेकर के कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं जो बने ही रहते हैं, और पहले से भी और अभी भी बने हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, यानी शॉर्ट में NSG कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत का प्रवेश, और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता, इन दोनों बातों का चाइना शुरू से विरोध करता रहा है, अपोजिट रहा है, प्रतिकूल रहा है। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश, और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर के चीन जो है भारत का विरोधी रहा है। एक पॉइंट और कि सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव और समर्थन किया गया है, जो कि भारत से विवाद का एक कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, भारत एवं चीन के बीच एक लंबी स्थलीय सीमा है, आपने नोट किया था, 3488 किलोमीटर की सीमा है, और चीन के साथ इस सीमा विवाद में भारत और भूटान ऐसे दोनों देश हैं जो उलझे हुए हैं। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान में डोकलाम क्षेत्र को लेकर के विवाद है, जबकि भारत लद्दाख में जो सटा हुआ, लद्दाख से सटा हुआ एरिया है, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता, और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के विवाद जारी रहता है। तो ये सीमा विवाद को भी ध्यान में रखेंगे। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूं और बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। भारत एवं चीन के बीच एक लंबी स्थलीय सीमा है, चीन के साथ इस सीमा विवाद में भारत और भूटान ऐसे दो मुल्क हैं जो उलझे हुए हैं। भूटान में डोकलाम क्षेत्र को लेकर के विवाद है, तो वहीं भारत में लद्दाख से सटे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के डिस्प्यूट जारी है। एक पॉइंट और देख लेंगे, ये लेटेस्ट है, गलवान घाटी विवाद क्या था कि जून 2020 में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हो गई थी, और कारण क्या था कि यहाँ पे चीनी सेना ने अपने कैंप लगा रखे थे और धीरे धीरे इनमें सैनिकों को इकट्ठा किया जा रहा था। इसी बीच जो है भारत और चीन की सेना के बीच झड़प होती है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जबकि 4 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। एक पॉइंट और इसमें देखेंगे आइए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट एक और आप देखेंगे, BRI परियोजना, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना कहते हैं, ये चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, और चीन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यानी एशियाई कंट्री से ले हट करके साउथ अफ्रीका की कंट्री हो गए, यूरोपियन कंट्री हो गए, या खाड़ी देश हो गए, वहाँ तक अपने व्यापार को पहुँचाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए BRI परियोजना 2013 में शुरू की है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना चीन की सालों पुरानी सिल्क रोड से जुड़ा है, इसे न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना की शुरुआत चीन ने 2013 में की थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देश, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क समुद्री रास्ते से जोड़ना है। भारत इस परियोजना का शुरू से विरोध करता रहा है। इसका रीज़न रहा है कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कम किया जाना। तो भारत इस परियोजना का शुरू से विरोध करता रहा है,
और ये चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके जरिए वो जो है व्यापार को अपने काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं यूरोपियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में और गल्फ़ कंट्रीज में। तो आज आपने ये भारत चाइना संबंध देखा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्रम हमारा जारी रहेगा और इसी क्रम में जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम आपको संबंध दिखाएंगे और आप इसका नोट्स बनाइए, निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में ये आपको लाभ पहुँचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।